हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर स्पेशल वीडियो ऑफ टाटा पंच। टुडे आई हैव टू पंच, वन इज़ दिस एंड द अदर वन इज़ देयर। एक गाड़ी में मैंने मोटोजैन BS6 लगाया और दूसरी गाड़ी में मैंने लवेटो COBD2 लगाया। मैं पहले आपको मोटोजैन का दिखा देता हूँ, जो किट मैंने लगाई है, दिस इज़ मोटोजैन BS6। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल वर्क अराउंड। ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। दिस इज़ द फिलिंग वाल्व। और ये आपका ECM है, इनका 32 पिन का ECM है जो अप्रूव्ड है टाटा के अंदर। ये रिड्यूसर है इनका, डबल स्टेज का रिड्यूसर है। और ये इसका गैस फिल्टर है, सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होके जाएगा। और पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है आपके इंजन में। अब ये सब किट में आता है। अब जो किट में नहीं आता है, एक्स्ट्रा मैंने जो चीज़ लगाई है, एक तो मैंने इसको कामयाब करने के लिए बेटर और बेटर, मतलब पता ना लगे गाड़ी पेट्रोल है CNG है, डायनेमिक एडवांसर लगाया है एंड दिस वर्क वंडर्स। भाई पता नहीं लगेगा गाड़ी के अंदर गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है CNG पे। दूसरा जो मेन काम किया है, इसकी वायरिंग देखो आप, सारा एक स्पायरल ट्यूब में गया है, सारा वायरिंग एक स्पायरल ट्यूब में। अब इससे क्या है, देखो नॉर्मल अगर टेपिंग करूँगा वो गम निकल जाएगा, लेकिन ये स्पायरल ट्यूब में जैसे टाटा ने अपनी ECM का वायरिंग दे रखा है, सेम वैसे ही हमने वायरिंग दे रखा है ताकि ये वायर्स आपके 15 साल जब तक गाड़ी है तब तक चलता रहे, कभी शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तीसरा जो मैंने काम किया है इसके अंदर, आपके यहाँ से दो वायर ब्रेडेड पाइप लिया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये दोनों पाइप आपका है, ये रिड्यूसर में आ रहा है, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है। अब इससे क्या है कि एक तो टेम्परेचर सेंसर आपका वहीं लगेगा जहाँ लगा होना चाहिए, ये रहा आपका टेम्परेचर सेंसर, ये एक तो वहीं लगेगा, ये दिस इज़ द टेम्परेचर। दूसरा इसमें 10% एवरेज इम्प्रूव होगा और गाड़ी चलने के मतलब यहाँ कभी गैस जमेगा नहीं, गैस की फ्री फ्लो रहेगी। सॉलिड काम किया मैंने टाटा पंच के अंदर, भाई को गाड़ी चला के मज़ा आ जाएगा। एक और काम किया हूँ मैं, बहुत स्पेशल काम है वो भी, जिसमें तार नहीं कटती आपके इंजेक्टर्स के, इसके सारे कपलर टू कपलर किया हूँ मैं इंजेक्टर्स के, ये सारे कपलर टू कपलर है, ये तीनों इंजेक्टर्स आपके कपलर टू कपलर है। इधर से दिखा, इधर से, हाँ इधर से, ये तीनों इंजेक्टर्स आपके कपलर टू कपलर है, दिस इज़ ऑल कपलर टू कपलर। अब एक बार इसका मैं बूट दिखाता हूँ मैं, आइए। इस पे जो सिलेंडर लगाया हमने, दिस इज टाटा पंच, दिल्ली नंबर गाड़ी है। इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने, 12 kg का सिलेंडर लगाया, देखो स्टेपनी आपके यहाँ नीचे जगह पे ही है और मोर देन 50% आपको स्पेस मिल रहा है। इसमें जो स्टैंड लगा है आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड है विथ रबर ग्रिप आपका, ये देखो ये मोल्डेड पाइप स्टैंड है, ये पूरा स्टैंड जो है मोल्डेड पाइप स्टैंड है और ये रबर ग्रिप के साथ, ये आपका रबर ग्रिप के साथ। और इसके अंदर डक्टिंग भी दे रखा है, एक बार गैस डलवाने चलते हैं, लीकेज चेक करेंगे फिर डक्ट फिट करूँगा। दिस इज़ द क्वालिटी। एक और पंच है इसके अंदर, मैं साइड फिलिंग वाल्व भी दिया हूँ। इस पंच के अंदर जो है आपका साइड फिलिंग वाल्व वही है जो मारुति के अंदर कंपनी फिटिंग के अंदर आता है, दिस इज़ मेड इन जर्मनी। ये मारुति में जो कंपनी फिटिंग में आता है सेम वही वाल्व लगा के दिया हमने। दूसरा मैंने इसके अंदर काम किया, वही सेम क्वालिटी मैंने दिया है, 12 kg का सिलेंडर है और स्टेपनी नीचे है एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्पेस इज़ देयर। डक्टिंग वक्टिंग सब सारा क्वालिटी वही है। इसमें जो किट लगाया, बहुत स्पेशल किट लगाया, आइए दिखाता हूँ। हो गया, थोड़ा सा काम रह रहा है फिर भी मैं दिखाता हूँ। मैं देखिए इसमें जो किट लगाया हमने, लवेटो COBD2 लगाया, लवेटो COBD2, ये तो रिड्यूसर है इसका, डबल स्टेज का रिड्यूसर है, दिस इज़ ऑल्सो BS6। और ये आपका ECM जो है, ईजी फास्ट लवेटो COBD2, ये आपका ECM है, 48 पिन का मेटालिक ECM है जो लवेटो COBD2 में पास है। देखो अब तक मैंने लवेटो COBD2 आपको ब्रीज़ा के अंदर लगा के दिया,
एंड दिस इज़ द फर्स्ट पंच जिसके अंदर लवेटो COVD2 लगाया मैंने। ये अप्रूवल है नहीं अभी, लेकिन हाँ 2 महीने के बाद इनका अप्रूवल आ जाएगा। मैंने इनसे पूछा, मैंने किट लगानी है, आप ये लगा सकते हैं, लेकिन इसकी RC का प्रोसेस जो है 2 महीने के बाद होगा। तो ही वॉज अग्रींग फॉर डैट, तो तब जाके मैंने ये किट लगाया। जो मैंने मोटोजेन लगाया मैंने इस गाड़ी के अंदर, इसमें हाथों हाथ चढ़ जाएगी, लेकिन जो मैंने लवेटो COVD2 लगाया इसमें, इसमें 2 महीने के बाद चढ़ेगी। चलो मैं इसका क्वालिटी दिखाता हूँ। एक तो इसके अंदर सारा कपलर टू कपलर ये फिटिंग करूँगा, जो उसमें मैं प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहा था। ये इंजेक्टर्स है आपका लवेटो का, दिस इज़ ऑल मेड इन इटली। और लवेटो COVD2 का एक पहचान क्या है, इसका जो मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर आता है केवल लवेटो COVD2 में आता है और किसी किट में नहीं आता। और इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर फिट कर रहा हूँ, मज़ा तभी है जो क्वालिटी मैं देता हूँ जिस गाड़ी के अंदर। देखो ये सब किट में नहीं आता, किट के अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं, उसके अलावा जो मैं चीज़ लगाता हूँ लगा के गाड़ी को कामयाब करता हूँ अपनी गाड़ी समझ के। इसके अंदर भी मैंने कूलेंट कनेक्शन किया, ये देखो यहाँ से 2 पाइप जा रहे हैं आपका, ये जा रहा रिड्यूसर में फिट हो रहा है, ये आपके रिड्यूसर में फिट हो रहा है। इसके अंदर गैस फिल्टर तो आपके मैप सेंसर बेस्ड के साथ ही आ रहा है, कपलर टू कपलर लगाया मैंने, डायनेमिक एडवांसर लगाया, वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूब में दे रखा है, सारा स्पाइरल ट्यूब में, ताकि पूरे लाइफ जब तक गाड़ी है वायरिंग को कुछ ना हो। कूलेंट कनेक्शन किया और बूट स्पेस मैंने इनका दिखाई दिया। बाकी भाई दोनों गाड़ी के अंदर, गाड़ी वो मोटोजेन हो या लवेटो COVD2, दोनों में मज़ा आएगा इनको, दोनों में। क्योंकि रीज़न क्या है, किट नहीं है रीज़न गाड़ी चलाने का, रीज़न है डायनेमिक एडवांसर, मज़ा आ जाएगा। एंड दोनों गाड़ी में लेके चलता हूँ CNG पंप, एक बार सेटिंग करता हूँ, ट्रायल लेते हैं, देखते हैं कैसी चलती है। वी आर इन फॉर अ फीलिंग इन द टाटा पंच। ये इस पंच में हमने जो किट लगाया, दिस इज लवेटो COVD2, और इसमें आपका साइड फीलिंग बाल लगाया। अब आगे का मैं वॉक अराउंड देता हूँ। देखो इसमें जो किट लगाया हमने, दिस इज लवेटो COVD2, इसके अंदर जो आपका ECM है इजी फास्ट का COVD2, ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, मतलब आप आगे से भी डलवा सकते हो। और ये आपका रिड्यूसर है डबल स्टेज का, दिस इज़ ऑल मेड इन इटली। और ये मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मैंने लगाया जो चीज़ें, वो दिखाता हूँ। एक तो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, भाई मज़ा आ जाएगा, एक बार सेटिंग करने दो, ट्रायल लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। दूसरा मैंने इसके अंदर कपलर टू कपलर वायरिंग किया, इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है, ये सारा कपलर टू कपलर है, सारा कपलर टू कपलर है। और वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूब में है, सारा स्पाइरल ट्यूब में प्रॉपर स्लीव। और इसके अंदर कूलेंट कनेक्शन किया है, ये देखो ये नीचे से ये पाइप आपके रिड्यूसर में जा रहा है, ज़बरदस्त। सिलेंडर स्पेस काफ़ी निकाल के दिया हमने बूट में। और गैस इसके अंदर सिलेंडर जो लगाया हमने, 12 kg का सिलेंडर लगाया, इसके अंदर देखते हैं गैस कितनी आती है, 7 किलो आई है जस्ट बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, 7.5 किलो गैस। चलो एक बार सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। तो दिस इज टाटा पंच मोटोजेन, इसके बाद वाली जो पंच होगी उसका रिव्यू लूँगा, दैट इज़ लवेटो COVD2। एक बार भैया से पूछते हैं फिटिंग कैसी रही और गाड़ी कैसी चल रही है। फिटिंग परफेक्ट थी एकदम, मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि मेरे को कुछ भी बोलने की नीड है वहाँ पे। जी, और अभी गाड़ी चलाने में भी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है। फर्स्ट गियर में उठाने में जैसे बिल्कुल नॉर्मली पेट्रोल पे उठती है उसी तरीके से उठ रही है, इवन बेटर ही है उससे, कहीं पे वीकनेस मेरे को फील नहीं हुई। In all gears, in all speed, the car is running fine. Wonderful, wonderful, absolutely. मतलब जो आप देख के आए थे यूट्यूब में, द सेम चीज़, बिल्कुल सेम जो आप लोगों का सुनते थे यूट्यूब में रिव्यूज, आप आज आप रिव्यू दे रहे हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और अभी बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि CNG पे है या पेट्रोल पे है। मैंने इससे पहले बीट थी, मेरे पास बीट ड्राइव की हुई है मैंने CNG पे,
जी पेट्रोल सी एन जी दोनों, तो बीट में मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, बट इसका डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डायनेमिक एडवांसर। वो टेक्निकलिटी आपको बताऊंगी किस वजह से डिफरेंस है, बट आई कैन फील कि डिफरेंस है और अच्छा खासा डिफरेंस है। Really, I have installed a lot of punch and people are really enjoying the drive. And I have, मतलब मेरे को लगाए हुए करीबन साल डेढ़ साल हो गए, कई पंच आज तक चला रहे हैं और मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इज़ द थ्रॉटल बॉडी, खोल के साफ, ठीक है, एंड स्पार्क प्लग, ये दो काम, और एयर फिल्टर हमेशा जेन्युइन। ये तीन काम आप कराएंगे आप कभी नहीं आएंगे मेरे पास, दूसरी गाड़ी लेके आएंगे सीएनजी लगवाने। चलो मज़ा है, बिल्कुल मजा आया। चलो भाई, और आपसे मिलके भी बहुत मजा। चलो थैंक यू। चलो कहीं नहीं जाना, एक दूसरा पंच है, डैट इज़ लबेटो COBD2, उनका भी एक बार सेटिंग करते हैं, ट्रायल लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। पंच टू, और इस पे जो किट लगा है लबेटो COBD2, सुपर्ब, द फिटिंग अल्टीमेट, NGV वाल्व सब कुछ, और डायनेमिक एडवांसर के साथ। कैसा लग रहा भैया गाड़ी चला के? बढ़िया चल, बढ़िया लग रहा है। फिर वो पता नहीं चल रहा फ़र्क, पेट्रोल पे चल रही है, CNG पे कहीं भी, पिकअप नहीं, पिकअप पे कहीं किसी भी स्पीड में नहीं, कोई 1% भी नहीं, बढ़िया चल रही है। आपने किटी इतना बढ़िया चूज किया, रिव्यू अच्छा, बढ़िया, हाँ बढ़िया चल रही है। और कैसा रहा फिटिंग, कैसा रहा? फिटिंग अच्छी है, मतलब टेक्निकलिटीज आपको ज़्यादा पता है, पर ठीक है, चलने में अच्छी है। सो दिस इज लबेटो COBD2, द मैन विद वेरी फ्यू वर्ड्स। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद रिव्यू लूंगा। बढ़िया फिटिंग भाई, सॉलिड, मज़ा आ गया। पहली पंच में लबेटो COBD2 लगाया मैंने, बस एक ही कमी है, अभी इनका फेस वन में अप्रूवल नहीं है, फेस टू में अप्रूवल है लबेटो का। फेस वन में मतलब इनका इस, मैं वैसे तो इनको 2 महीने का बोला हूँ मैं, इस महीने के एंड या मैक्सिमम नवंबर 15 तारीख तक इनका RC पे एंडोर्समेंट मैं करा दूंगा मैं। मज़ा आया भाई पंच के अंदर, पंच के अंदर हमने जो इसके अंदर कारीगरी है, जो इसके अंदर करना है, वो सारी एक्सपीरियंस नॉलेज है हमें, वी नो व्हाट टू डू इन पंच। और अब तो मोटोजेन के अलावा इसमें अब लबेटो COBD2 भी ले आए, मज़ा आएगा इनको गाड़ी चला के इन लॉन्ग रन, क्योंकि इस किट के अंदर मैं ICNG से भी मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं जो टाटा किट लगा के दे रही है पंच के अंदर, दिस किट इज मच बेटर देन डैट, हार्डली एनी फील, मतलब कोई कह नहीं सकता। आप अगर चाबी दे दो कोई कह नहीं पाएगा इसके अंदर CNG लगी है, और चलने में वही मज़ा है जो पेट्रोल पे, इवन बेटर देन पेट्रोल। क्या कहते हो भैया, पावर है गाड़ी के अंदर, वही थ्रस्ट है, वही सब कुछ है, पिकअप भी अच्छा है, कोई कह नहीं सकता। अगर किसी भाई को आप चाबी दे दो भाई वो चला के बता, अगर नहीं बताओगे CNG लगी वो बता ही नहीं पाएगा, फर्क नहीं पता चल, नहीं बता नहीं पता। चलो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। इस तरह का वीडियो आपको पसंद है, इफ़ यू आर न्यू जस्ट सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू आर ओल्ड शेयर इट। थैंक यू।